दिल को आए चैन कहीं ना। शाहिद से तुम्हारी बात हुई? अम्मी, मैं इसी बारे में शाहिद से बात करने ही लगी थी कि वहां रानी आ गई और उसने बातें सुनाई मुझे। रानी को जो बोलना है उसे बोलने दिया करो, तुम बस मत परेशान हुआ करो। साथी को प्लीज मुझे ऐसे तंग मत करो। सहार, मुझे चक्कर आ रहे। साथ, मैं गिर जाऊंगी तुम्हें बता। नहीं गिरो। साथ प्लीज। So you'll have a surprise। माजर चाहता हूँ आपको, टाइम देकर आ नहीं सका। इट्स ओके। वैसे सर में दर्द किसी खास वजह से हो रहा था। लगता है आप अपनी पहली वाइफ को अभी तक नहीं भूल सके। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो चैप्टर तो क्लोज हो चुका। जो चैप्टर ओपन हुआ है उस पर भी तो नाम नहीं आपका। देखिए, इसलिए तो आपसे सॉरी का लफ्ज कहा। चले, मैं एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन नेक्स्ट टाइम वादा खिलाफी नहीं होने चाहिए। जी, नहीं होगी। हाय, बड़ा ही अजीब बंदा है वैसे, इधर भी वादे उधर भी वादे। आए बाचो, बड़े सोने लग रहे हो तुसी। तो लग रहे हो नहीं, लग रही हो। हाँ, पर आप ही एक ही बात है। हाँ, जा रहे हो। इधर भी कयामत उधर भी कयामत। हाय, पर ये बिजली तो ना बेचारे शायद साहब पे गिरनी है ना। बस देखना ये है कि ये इश्क की आग किसको जला के राख करती है। अरे वाशाई, तो शायर हो गई है। क्यों ना हो, मुझे भी तो मोहब्बत हो गई है ना। अरे आओ, खड़ा बैठो। अरे मायरा, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कब आई आप? बस थोड़ी देर पहले। अच्छा, पता ही नहीं चला तो इधर पहले। मैं और शाहिद यहीं तो बैठ के काफी देर तक बातें कर रहे थे। वो एक्चुअली मेरे सर में दर्द हो रही। सर में दर्द? हम इतनी देर तक बातें कर रहे थे, आपने मुझे तो कुछ नहीं बताया। अब मैं क्या छोटी छोटी बातें सबको बताता फिर। शायद आप अपने दिल की हर बात मुझसे कर सकते हैं, तबीयत का भी बता ही सकते थे ना। फरा, कोई और बात करते हैं ना, मेहमान आए घर पर, हम अपनी बातें लेकर बैठ गए हैं। क्या बातें कर रही हो तुम? आप फरा से बातें कर ले, मैं तो भी यहाँ काफी देर के लिए हूँ, हम अपनी बातें अकेले में कर लेंगे। मायरा, मुझे लग रहा है शायद आप मेरे यहाँ बैठने से काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही है ना, मैं अंदर चली जाऊं। नहीं फरा, शी इज फाइन, शी इज फाइन। शायद मुझे लग रहा है कि मायरा अनकंफर्टेबल हो रही है ना मायरा? अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो अच्छी बात है। मेरा और शायद का जैसा रिलेशन है उसमें किसी का भी हमारे बीच आना गुड साइन नहीं कहलाता, लेकिन तुम्हारी बात जरा अलग है। तुम यहाँ बैठ सकती हो। अब शायद आप यहाँ मायरा के साथ बैठ के आराम से बातें करें, मैं चाय और नाश्ते का इंतजाम करती हूँ आप लोगों के लिए। आप मेरी हॉबी के बारे में पूछ रहे थे। जी हाँ, क्या हॉबीज हैं आपकी? आंटी, मैं तो बस अब यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ना शाहिद और मायरा की शादी हो जानी चाहिए। अरे रानी बेटा, चाहती तो मैं भी यही, लेकिन तुम तो जानती हो कि बेटी की शादी है, तैयारी तो करनी पड़ेगी और उसके लिए टाइम चाहिए होगा। जी जी, मैं समझ सकती हूँ। आपने देखा, शाहिद की तबीयत भी इसीलिए खराब है क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस लेने लगा है। अंदाजा है मुझे, और मैं सोच भी रही थी। वैसे मेरी मायरा बहुत समझदार है, तुम देखना शाहिद को बहुत जल्दी संभाल लेगी वो, इंशाल्लाह। रानी बेटा, वो जो तुम्हारे खाले हैं, मेरा मतलब है वहीद की, वो यही रहती है क्या? जी, उनका अपना ही तो घर है, जब दिल चाहता है वो आ जाती है, हमने कभी मना नहीं किया। घर की बड़ी है ना, घर के फैसलों में हमारी मदद भी कर देती है। हाँ ये तो है, लेकिन उनकी जो बेटी है फर्रा, वो भी उन्हीं के साथ होती है, वो भी यही रहती है क्या?
जी जी फरा भी यही रहती है। अब आपसे क्या छुपाना, आप लोगों से रिश्तेदारी होने वाली है। दरअसल ना फरा की रिसेंटली तलाक हो गई है। सॉरी सॉरी। देखो बेटा, हमें कुछ पता तो होता नहीं है और हम पता नहीं क्या से क्या सोच लेते हैं। वैसे क्या हुई जाती तलाक की, कुछ बताओगी मुझे? बस आंटी, इंसान के ऊपर जो मुसीबतें होती हैं ना, उसकी अपनी ही किसी ना किसी गलती की वजह से आती हैं। अब फरा में ना घर जोड़ के रखने की आदत नहीं थी। एक मैं हूँ, मुझे देखें, सिर्फ अपने ससुराल की फिक्र है मुझे, अपने देवर की शादी की पड़ी है, और फरा ऐसी नहीं थी। ये तो है। मेरी तो जब से शादी हुई है ना, मैंने अपना ससुराल ही देखा है, मेके की तो मुझे कोई परवाह ही नहीं है। वैसे रानी बेटा, तुम गम मत करो, जितना तुमने किया है ना, अल्लाह ताला तुम्हें इसका सिला जरूर देगा। बस आपकी दुआएं चाहिए आंटी। आमीन। जी नसाब जी, आपका काम हो गया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी कमरे मिला के देना मुझे, तुम यहाँ पकड़ा रही हो। साहब जी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। वैसे भी इस घर वालों को ना बहुत काम है मुझसे, बड़ी मुश्किल से किया है मैंने आपका काम। ये लें, अब मैं जाऊं। रुको, काम ठीक से किया तुमने? आप खुद ही देख लें। ये क्या मजाक है? क्या हुआ साहब जी? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे वहीद के दस्तखत चाहिए, तुम्हारे नहीं। ओह सॉरी साहब जी, गलती हो गई, ये मेरा कागज है और ये आपका कागज है। अब तो ठीक से कर दिया ना मैंने आपका काम। हाँ ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारा इनाम तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है साहब जी। अब प्लॉट मेरा। रास्ता पी, आराम से, मेरे हाथ दर्द हो रहे। मुझे ना तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। हाय रास्ता पी, अब मैंने क्या कर दिए? पहले तो बता कि तुझे इस घर में कौन लाए? जी आप। पैसे कौन देता है तुझे? आप ही देती हैं। और यहाँ किसके लिए तू काम करती है? जी आपके लिए करती हूँ, मगर आप इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं मुझसे? तू और मौजूद साहब के साथ क्या बातें कर रही थी? जी वो मैं। जी वो मैं, बात को घुमाओ मत। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुमने माजिद को कुछ पेपर दिए। किस चीज के पेपर थे बताओ मुझे? राजदाब भी वो कागज तो खाली थे। अच्छा, मैं बेवकूफ लगता हूँ तुम्हें शक्ल से, या माजिद बेवकूफ है जो खाली कागज छुप छुप के तुमसे ले रहा था? वो असल में ना राजदापी, माजिद साहब ने मुझे कहा था कि उनको ना वहीद साहब के दस्तखत चाहिए खाली कागज पे, तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने करवा के दे दिए। वहीद के दस्तखत खाली कागज पे क्यों? जी ये नहीं मुझे पता, उन्होंने मुझे कहा था तो मैंने कर दिया। उसने कहा और तुमने कर दिया बगैर किसी? राजदाब भी, उन्होंने मुझे इतना डराया था और उनको सब पता चल गया था। क्या पता चल गया? असल में ना उनको पता चल गया था कि आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आई हैं, और उनको ये भी पता था कि आपको ना मैं पूरे घर की खबरें भी देती हूँ। उन्होंने मुझे डराया, जान से मारने की धमकी भी दी, और उन्होंने कहा कि अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया ना, तो मैं घर वालों को सबको सच भी बताऊँगा और तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर दूँगा। तो मुझे डर था तो मैंने इसलिए कर दिया। कौन कौन के मेरी बात सुनो, आइंदा माजिद अगर तुम्हें कोई काम भी बोलता है ना, पहले तुम मेरे पास आओगी, मुझसे पूछोगी, अगर मैं कहूँगी तो तुम उसका काम करोगी, समझ गई तुम? जाओ काम पर, जाओ। देख रही हूँ आजकल आप मुझसे हर बात छुपाते हैं। मैंने क्या छुपाया आपसे बेगम? ये वहीद से आपने खाली कागज पर क्यों दस्तखत करवाए? अच्छा तो तुम्हें शाही ने सब कुछ बता दिया? मुझे शाही ने कुछ नहीं बताया, मैंने अपनी आंखों से आप दोनों को बातें करते देखा है। बैठो समझाता हूँ।
देखिए महाजन, मैं समझती हूँ, सब समझती हूँ। आपने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन अब मुझे हर चीज से बेखबर रखते हैं। क्या बात है महाजन, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? कैसी बातें कर रही हो राशिदा बेगम, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तो फिर बताए ना कि आपने उससे दस्तखत क्यों करवाए? आखिर ऐसा क्या है आपके दिमाग में, क्या चल रहा है? मैं जब भी कोई बड़ा काम करता हूँ किसी को बताता नहीं हूँ, उससे काम नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा तुमको, आखिर को तुम मेरी अहलिया हो। जी मान लेती हूँ आपकी ये बात। मैं तुम्हें कॉल सुन के आ रहा हूँ, ये नहीं तुम बैठो। जितना आप मुझे बेवकूफ समझते हैं ना, मैं बेवकूफ हूं नहीं। नहीं माजिद साहब, और चल पता कर लूंगी मैं कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। खाना खा लो फौजिया। नहीं सर, मुझे भूख नहीं है। देखो फौजिया, अगर तुम इस तरह रोती रहोगी तो बीमार हो जाओगी। तबीयत खराब होती है तो होती रहे, मैं कैसी बेटी हूं, अभी आखिरी लम्हों में भी याद करते करते चली गई हूं। मैं बेखबर रही, कैसी बेटी। अम्मी की कॉल आई थी हैदराबाद से, कह रही थी कुछ दिनों के लिए यहां जाओ। नहीं साथ, मैं भी कहीं नहीं जाना चाहती, मैं यही अम्मी के घर में रहना चाहती हूँ, प्लीज। अच्छा ठीक है, यही रहो, कोई मसला नहीं है, आराम करो, लेकिन इस तरह से नहीं। साथ प्लीज, मुझे अकेला रहने दो, चले जाओ यहाँ से। खाना रखा है, खा लेना। नहीं खाना, मुझे खाना, ले जाओ खाना। अच्छा ठीक है। जी वहीद साहब, ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए। मगर साहब जी, ये तो मोबाइल है, टच वाला। शाही मुझे पता है ये मोबाइल है, मैंने कोई टीवी गिफ्ट नहीं किया तुम्हें।
मगर साहब जी ये तो बहुत महंगा और कीमती तोहफा है। कीमती लोगों को कीमती गिफ्ट दिए जाते हैं। अच्छा आप ऐसा समझते हैं? साहब जी आपने तो मेरे दिल में घर ही कर लिए। अच्छा कब से? बताओ ना। फिर किसी दिन। शाही तुमने तो मुझे सस्पेंस में डाल दिया। अच्छा ये मोबाइल रखो, इसमें मेरा नंबर भी फीड है, सिम भी डाल दिया मैंने, तुम जब चाहे फोन करके मुझे बता सकती हो। अच्छा मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, वापसी पे मिलते हैं। साहब जी आप तो सच में मोहब्बत करने के लायक हैं। ये तोहफा तो बहुत महंगा है। अम्मी देख रही है ना, मायरा इतनी देर तक शाहिद के साथ बैठी हुई थी और आप मुझसे कहती है कि शाहिद से शादी कर लो। अब शाहिद उसे छोड़ने के लिए भी गए और अब तक वापस नहीं आए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, शाहिद चाहता क्या है? ना हामी भरता है और ना ही इनकार करता है। अगर उसे पसंद नहीं है मायरा तो इनकार कर दे। शाहिद एक लफ्ज तक नहीं बोल पाते हैं मायरा के सामने, इनकार करेंगे वो। पता नहीं कहां फंसा दिया आपने मुझे। सब रानी का किया धरा है, बहुत बुरा किया उसने।